तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं, मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिबन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदोन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं और सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक दक्का द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक ढीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबर रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिबन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हीं और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंड ट्रैक एल्बम का ऑडियो जुक बॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है और जब मोजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से दिशानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10/7 की 7.6 की। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं, मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिबन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदोन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर
को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं, सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक डीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से ओटीटी मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबरे रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिवन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ ने की दुनिया उन्हीं और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें ध्वनियों के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंडट्रैक एल्बम का ऑडियो जूक बॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है और जब मोजनू बूरी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से किसानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10/7 की 7.6 की। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिवन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं, सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक डीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं,
दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ है, दोबले रॉय चौधरी ने डब्लू भाइकिंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिमन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हें और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंड ट्रैक एल्बम का ऑडियो जुक बॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है और जब मोजनू बूरी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से दिशानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10/7 की 7.6 की। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदार, जो की एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो की अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज़ की स्टोरी कैसी है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं, मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं और सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक ढीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबले रॉय चौधरी ने डब्लू भाइकिंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिमन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हें और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और
गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंडट्रैक एल्बम का ऑडियो जुकबॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है। और जब मोजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से किसानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10/7 की 7.6 की। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदार, जो की एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो की अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं और सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक डीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबरे रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिर्बन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 39 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हीं और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें ध्वनियों के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंडट्रैक एल्बम का ऑडियो जुकबॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है। और जब मोजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से किसानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा
पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी ये सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है एमडी से 10/7 की 7.6 की। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं, मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिबन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदोन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं और सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक दक्का द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक डीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबरे रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिबन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हीं और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंड ट्रैक एल्बम का ऑडियो जुक बॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है और जब मोजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से दिशानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी ये सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है एमडी से 10/7 की 7.6 की। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं, मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिबन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता
मोदोन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें, यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं और सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक दक्का द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक ढीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से ओटीटी मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबर रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिवर्ण भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हीं और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंड ट्रैक एल्बम का ऑडियो जुक बॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है और जब मोजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से दिशानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10/7 की 7.6 की। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदार जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदोन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं और सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक दक्का द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा
मैकबेथ का एक डीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से ओटीटी मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबरे रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिमन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 39 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हीं और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें ध्वनियों के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंडट्रैक एल्बम का ऑडियो जूक बॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है और जब मोजनू बुरी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से किसानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10/7 की 7.6 की। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं, मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिबन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं, सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक दक्का द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक डीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबरे रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिमन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 39 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हीं और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें ध्वनियों के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और
गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंडट्रैक एल्बम का ऑडियो जुकबॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है। और जब मोजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से दिशानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10/7 की 7.6 की। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज़ की स्टोरी कैसी है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिबन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं और सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक ढीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबर रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिवन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 39 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हीं और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें ध्वनियों के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंडट्रैक एल्बम का ऑडियो जुकबॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है। और जब मोजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में
मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से किसानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हलदर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी ये सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10 आउट ऑफ 10 की 7.6 की। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं, मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हलदर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं और सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक डीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबरे रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिर्बन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हें और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंडट्रैक एल्बम का ऑडियो जुकबॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है और जब मोजनू बुरी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ों से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से किसानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हलदर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी ये सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10 आउट ऑफ 10 की 7.6 की। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस
वेब सीरीज़ की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं, मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गांव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं और सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक डीरा रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबरे रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिर्बन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हीं और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंड ट्रैक एल्बम का ऑडियो जुक बॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू उरी है जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है और जब मोजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10/7 की 7.6 की। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदार जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज़ की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं, मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी
सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं, और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं, सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक द्वारा बनाई गई प्रतीक दक्का द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक ढीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से ओटीटी मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबर रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई, और अनिवर्ण भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है, जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है। और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है, और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हीं और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंड ट्रैक एल्बम का ऑडियो जुक बॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है, और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है, और जब मोजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से किसानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया, और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10/7 की 7.6 की। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदार, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं, मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं, और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं, और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं, सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक द्वारा बनाई गई प्रतीक दक्का द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक ढीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबर रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई, और अनिवर्ण भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है, जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है। और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप
गुहा चर्चित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ ने की दुनिया उन्हें और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें ध्वनियों के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंडट्रैक एल्बम का ऑडियो जुकबॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है। और जब मोजनू बूरी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ों से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से किसानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10/7 की 7.6 की। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिबन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं, सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक दक्का द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक डीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबरे रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिबन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ ने की दुनिया उन्हें और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें ध्वनियों के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंडट्रैक एल्बम का ऑडियो जुकबॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है। और जब मोजनू बूरी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ों से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार
अगले दशक में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10/7 की 7.6 की। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं, मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिबन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं और सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक ढीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबर रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिबन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हीं और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंड ट्रैक एल्बम का ऑडियो जुक बॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ों पागलपन से नाच रहा है और जब मोजनू बुरी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ों से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले दस में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10/7 की 7.6 की। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस
वेब सीरीज की स्टोरी कैसी है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं, मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गांव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं और सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक ढीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबरे रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिर्बन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हें और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती है और अव्यवस्थित है और गैर लयात्मक लगती है। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंडट्रैक एल्बम का ऑडियो जुकबॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है और जब मोजनू बुरी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ों से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10/7 की 7.6 की। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदार जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं, मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी
सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं, और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं, सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक द्वारा बनाई गई प्रतीक दक्का द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक डीरा रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से ओटीटी मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबरे रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई, और अनिवर्ण भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है, जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है। और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है, और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हीं और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंड ट्रैक एल्बम का ऑडियो जुक बॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है, और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है, और जब मोजनू बूरी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से दिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया, और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10/7 की 7.6 की। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदार, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं, और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं, और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं, सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक द्वारा बनाई गई प्रतीक दक्का द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक डीरा रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबरे रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई, और अनिवर्ण भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है, जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है। और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप
गुहा द्वारा रचित है, और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ ने की दुनिया उन्हीं और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें ध्वनियों के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंड ट्रैक एल्बम का ऑडियो जुक बॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है, और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है। और जब मोजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से किसानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया, और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10/7 की 7.6 की। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदार, जो की एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो की अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं, सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक डीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबरे रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिर्बन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ ने की दुनिया उन्हीं और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें ध्वनियों के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंड ट्रैक एल्बम का ऑडियो जुक बॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है, जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है। और जब मोजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में
मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है एमडी से 10/7 की 7.6 की। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिबन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं और सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक दक्का द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक डीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबरे रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिबन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ ने की दुनिया उन्हीं और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंड ट्रैक एल्बम का ऑडियो जुक बॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू उरी है, जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है और जब मोजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है एमडी से 10/7 की 7.6 की। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस
वेब सीरीज़ की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं, मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गांव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदोन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं और सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दक्का द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक ढीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबर रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिर्बन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हीं और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंडट्रैक एल्बम का ऑडियो जुकबॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ों पागलपन से नाच रहा है और जब मोजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ों से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से दिशानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10/7 की 7.6 की। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदार जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं, मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदोन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल
देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं, सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक द्वारा बनाई गई प्रतीक दक्का द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक डीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से ओटीटी मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबरे रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिवन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हें और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती है और अव्यवस्थित है और गैर लयात्मक लगती है। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंडट्रैक एल्बम का ऑडियो जुकबॉक्स वीएफएक्स द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है और जब मोजनू बुरी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ों से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से किसानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है एमडी से 10/7 की 7.6 की। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं मंदार एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिवन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं, सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक द्वारा बनाई गई प्रतीक दक्का द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक डीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से ओटीटी मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबरे रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिवन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप
गुहा द्वारा रचित है, और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हीं और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंड ट्रैक एल्बम का ऑडियो जुक बॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है, और जब मोजनू बूरी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेडो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से दिशानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया, और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10/7 की 7.6 की। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिबन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं और सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक दक्का द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक ढीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबर रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिबन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हीं और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंड ट्रैक एल्बम का ऑडियो जुक बॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है, और जब मोजनू बूरी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक
को सभी मछुआरों को उनके मालिक से किसानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मुक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हलदर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मुक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी ये सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10 आउट ऑफ 10 की 7.6 की। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं, मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हलदर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं और सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक डीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबरे रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिर्बन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हें और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंडट्रैक एल्बम का ऑडियो जुकबॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है और जब मोजनू बुरी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ों से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मुक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से किसानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मुक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हलदर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मुक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी ये सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10 आउट ऑफ 10 की 7.6 की। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस
वेब सीरीज़ की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं, मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गांव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदोन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं और सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक डीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबरे रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिर्बन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हीं और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंड ट्रैक एल्बम का ऑडियो जुक बॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू उरी है जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है और जब मोजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10/7 की 7.6 की। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदार जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज़ की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं, मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदोन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी
सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं, और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं, सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक द्वारा बनाई गई प्रतीक दक्का द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक ढीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से ओटीटी मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबर रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिवर्ण भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है, जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है। और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हीं और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंड ट्रैक एल्बम का ऑडियो जुक बॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है। और जब मोजनू बुरी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से दिशानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10/7 की 7.6 की। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदार, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं, मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं, सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक द्वारा बनाई गई प्रतीक दक्का द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक ढीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबर रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिवर्ण भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है, जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है। और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप
गुहा चर्चित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ ने की दुनिया उन्हें और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें ध्वनियों के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंडट्रैक एल्बम का ऑडियो जुकबॉक्स वीएफएक्स द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है। और जब मोजनू बूरी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ों से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से किसानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है एमडी से 10/7 की 7.6 की। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं मंदार एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिबन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं और सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक दक्का द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक डीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से ओटीटी मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबरे रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिबन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ ने की दुनिया उन्हें और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें ध्वनियों के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंडट्रैक एल्बम का ऑडियो जुकबॉक्स वीएफएक्स द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है। और जब मोजनू बूरी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ों से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार
अगले दशक में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10/7 की 7.6 की। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं, मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिबन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं और सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक ढीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबर रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिबन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हीं और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंड ट्रैक एल्बम का ऑडियो जुक बॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ों पागलपन से नाच रहा है और जब मोजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ों से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले दस में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10/7 की 7.6 की। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस
वेब सीरीज की स्टोरी कैसी है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं, मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गांव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं और सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक डीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबरे रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिर्बन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हें और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती है और अव्यवस्थित है और गैर लयात्मक लगती है। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंडट्रैक एल्बम का ऑडियो जुकबॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है जो एक नाव पर बैठी है जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है और जब मोजनू बुरी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ों से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10/7 की 7.6 की। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं, मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी
सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं, सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक द्वारा बनाई गई प्रतीक दक्का द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक डीरा रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से ओटीटी मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबरे रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिवर्ण भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हीं और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंड ट्रैक एल्बम का ऑडियो जुक बॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है और जब मोजनू बूरी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से दिशानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10/7 की 7.6 की। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदार, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज़ की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं, सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक द्वारा बनाई गई प्रतीक दक्का द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक डीरा रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबरे रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिवर्ण भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप
गुहा चर्चित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ ने की दुनिया उन्हें और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंड ट्रैक एल्बम का ऑडियो जुक बॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है। और जब मोजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से किसानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10/7 की 7.6 की। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदार, जो की एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो की अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं, मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं, सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक डीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबरे रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिर्बन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ ने की दुनिया उन्हें और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंड ट्रैक एल्बम का ऑडियो जुक बॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है। और जब मोजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार
अगले दस में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है एमडी से 10/7 की 7.6 की। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिबन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं और सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक दक्का द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक डीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबरे रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिबन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ ने की दुनिया उन्हीं और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंड ट्रैक एल्बम का ऑडियो जुक बॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पुरी है, जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है और जब मोजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले दस में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है एमडी से 10/7 की 7.6 की। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस
वेब सीरीज़ की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं, मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिबन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गांव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदोन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं और सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक दक्का द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक ढीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबर रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिबन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हीं और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंड ट्रैक एल्बम का ऑडियो जुक बॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है और जब मोजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से दिशानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10/7 की 7.6 की। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदार जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं, मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिबन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदोन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल
देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं, सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक द्वारा बनाई गई प्रतीक दक्का द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक डीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से ओटीटी मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबरे रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिवन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हें और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती है और अव्यवस्थित है और गैर लयात्मक लगती है। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंडट्रैक एल्बम का ऑडियो जुकबॉक्स वीएफएक्स द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है और जब मोजनू बुरी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ों से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से किसानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है एमडी से 10/7 की 7.6 की। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं मंदार एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिवन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं, सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक द्वारा बनाई गई प्रतीक दक्का द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक डीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से ओटीटी मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबरे रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिवन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप
गुहा द्वारा रचित है, और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हीं और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंड ट्रैक एल्बम का ऑडियो जुक बॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है। और जब मोजनू बूरी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेडो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से दिशानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10/7 की 7.6 की। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज़ की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिबन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं और सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिवर्ण भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक ढीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबर रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिबन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हीं और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंड ट्रैक एल्बम का ऑडियो जुक बॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है। और जब मोजनू बूरी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेडो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में
मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से किसानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हलदर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी ये सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10 आउट ऑफ 10 की 7.6 की। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं, मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गाँव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदन हलदर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं और सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक डीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबरे रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिर्बन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हें और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंडट्रैक एल्बम का ऑडियो जुकबॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू पूरी है, जो एक नाव पर बैठी है जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है और जब मोजनू बुरी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ों से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से किसानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हलदर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी ये सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10 आउट ऑफ 10 की 7.6 की। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है मंदा, जो कि एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो कि अभी जल्द ही में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो यह कैसी है और इस
वेब सीरीज़ की स्टोरी कैसी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी नहीं, मंदार एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बंगाली भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई है। इसके परिसर की बात करें तो डब्लू भाई तटीय मछुआरों के गांव गिलपुर में शक्तिशाली नेता है। वह स्थानीय राजनेता मोदोन हल्दर के सहयोग से मछुआरों का शोषण करता है। मंदार डब्लू भाई के लिए कुछ गुंडे के रूप में काम करते हैं। डब्लू भाई मंदार को सुपरवाइजर को मारने के लिए भेजता है। हत्या को अंजाम देने के बाद लौटते समय एक बूढ़ी महिला जो कि डायन मंदार को लक्षण रूप से बताती है कि वह डब्लू भाई का शासन संभाल लेगा। इसकी कास्टिंग की बात करें यानी इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मंदार में आपको मंदार के रूप में देवसीन मंडल देखने को मिलते हैं और सोहिनी सरकार आजा लाली देखने को मिलते हैं और देवेश रॉय चौधरी डब्लू भाई के रूप में देखने को मिलते हैं और सुमना डब्लू भाई की वाइफ के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह अनिर्बन भट्टाचार्य और प्रतीक दत्ता द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है। विलियम्स शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का एक डीला रूपांतरित है। भट्टाचार्य श्रृंखला के माध्यम से OTT मंच पर अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज के जरिए इसमें सोहनी सरकार ने लैली जो कि लेथी मैकबेथ हैं, दोप सिंह मंडाल ने मंदार जो कि मैकबेथ हैं, दोबरे रॉय चौधरी ने डब्लू भाई किंग डंकन की भूमिका निभाई और अनिर्बन भट्टाचार्य ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुकद्दर मुखर्जी की भूमिका निभाई है। इसके एपिसोडों की बात करें तो इसमें लगभग 5 एपिसोड हैं और एक सीजन रिलीज हो चुका है जिनकी लंबाई 49 से लेकर 52 मिनट तक की होती है और यह 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मंदार का बैकग्राउंड स्कोर शुभदीप गुहा द्वारा रचित है और एक प्रमोशनल इंटरव्यू में गुहा ने कहा था कि मैकबेथ की दुनिया उन्हीं और वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, मेरे लिए मंदार भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया के बारे में सोचा जो सामान्य नहीं लगती, असंगत लगती हैं और अव्यवस्थित हैं और गैर लयात्मक लगती हैं। मंदार की ध्वनि में एक बेसुरापन भी है। मूल साउंड ट्रैक एल्बम का ऑडियो जुक बॉक्स VFX द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पहले एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मोजनू उरी है जो एक नाव पर बैठी है और जबकि उसकी वार्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है और जब मोजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणी कर रही होती है तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरता है। पेड़ो से उस आदमी को देखता है और कहता है कि मंदार अगले 10 में मक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरों को उनके मालिक से दिशानी नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया। जब मक्काई ने डब्लू भाई को के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपनी साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दर के साथ डब्लू भाई के गुंडे मंदार को फोन किया और मंदार अपने काम के दोस्त बोंका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचे जहां उसे मक्काई से छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज में आप एपिसोड वाइज देख लीजिएगा। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। मंदार दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी सारी बता दें तो यह आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसकी रेटिंग है IMDb से 10/7 की 7.6 की।